आदरणीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हुई हूँ। इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण इस दशक के लिए हम सबको प्रेरणा देने वाला, दिशा देने वाला और इस देश के हजारों करोड़ों भाइयों और बहनों के मन में विश्वास पैदा करने वाला अभिभाषण था। मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूं और यह शेर हमारे प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सृजन के आह्वान को समर्पित है। एक न एक शमा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है बस माहौल बनाए रखिए। पुनरावृत्ति करना चाहूंगी, सुबह होने को है बस माहौल बनाए रखिए। कल से अभी तक इस संसद भवन में लोकसभा कक्ष में बैठी हूँ, सबका भाषण सुना। हमारे विद्वान साथियों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी अपनी बातें रखी, अपने विचार रखे, अपनी अभिव्यक्तियाँ की और इस अभिव्यक्ति में समर्थन भी था और विरोध भी। मैं समर्थन और विरोध दोनों का स्वागत करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के संस्कारों में इस देश के आम नागरिक के जीवन की चिंता परिलक्षित होती है, स्पष्ट रूप से झलकती है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि इस सरकार को विरासत में ऐतिहासिक समस्याएं मिली हैं और ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, एक तरफ विरासत में मिली ऐतिहासिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने की चेष्टा में लगी हुई है और दूसरी तरफ इन्हीं चुनौतियों का सामना बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी की भावना के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करती रही है, करेगी और आगामी दिनों भी आप देखेंगे हम सब मिलकर यह करते रहेंगे। मसला चाहे जम्मू कश्मीर का हो, ट्रिपल तलाक का हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम का हो या फिर राम मंदिर के निर्माण का, इन सारी चुनौतियों को जिस तरह से हमने हैंडल किया, ये जो लोहा लेने का जो संकल्प और इच्छा शक्ति वर्तमान सरकार में दिखती है, यही बात, यही लक्षण पिछले सारे सरकारों को इस सरकार से अलग करती है। हमारी सरकार निश्चित तौर पर बेहतर है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि इन 6 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है हमारे प्रधानमंत्री जी की और उनकी टीम की, तो मैं कहूंगी COVID-19 का प्रबंधन, द मैनेजमेंट ऑफ COVID-19। अंग्रेजी में एक अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आवर प्राइम मिनिस्टर हैज लेड द नेशन एंड द वर्ल्ड फ्रॉम द फ्रंट इन द बैटल अगेंस्ट COVID-19। और आज की स्थिति क्या है, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ नेशन विथ वन ऑफ द लोएस्ट डेथ रेट्स एंड वन ऑफ द हाइएस्ट रिकवरी रेट्स। जीवन और जीविका, इन दोनों पर यथेष्ट बल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने दिया है। बंधुगण, इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट कुछ दिन पहले हस्तगत हुआ। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट पढ़ें तो पता चलेगा कि इस सरकार की नीति और नेतृत्व की वजह से करीबन 1 लाख लोगों की जानें बची और 37 लाख लोग संक्रमण से बचे हैं। और कुछ दिन पहले आदरणीय वित्त मंत्री महोदया ने कक्ष में कहा था, यह वी शेप्ड इकोनॉमी है, कितनी अच्छी बात है, वी शेप्ड इकोनॉमी, हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होते जा रहे हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, हम केवल पीपीई किट और मास्क में आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, हम वैक्सीन निर्माण में विश्व में सफलतम देश साबित हुए हैं। अक्टूबर 2020 की बात मुझे याद है, अक्टूबर 2020 तक 6 करोड़ पीपीई किट देश में बनाया गया और उसमें से करीबन 2 करोड़ दूसरे देशों को दिया गया था। और मुझे याद है N95 मास्क का जहां तक सवाल है, करीबन 15 करोड़ हमने अपने देश में बनाए और करीबन 4 करोड़ दूसरे देशों के साथ साझा किया। वैक्सीन 2 बने हैं, 2 बनने वाले हैं, 35,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया, आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, उन्होंने ये भी कहा था कि
अगर आगामी दिनों में अधिक जरूरत होगी वैक्सीनेशन की, वैक्सीन की, तो हम अधिक पैसे उपलब्ध कराएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसके पीछे बहुत साहस चाहिए। 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां प्रेषित कराई गई। बंधुगण, हम अपनी तारीफ खुद नहीं करते, जब दूसरे करें तो बड़ी बात होती है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की प्रोसीडिंग मेरे हाथ में है। ये दोनों प्रोसीडिंग मेरे हाथ में है। आप इन दोनों प्रोसीडिंग को मेरे बंधुओं से, मेरे साथियों से, मेरे विद्वान मित्रों से अनुरोध है, इसे पढ़ें। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी होम अफेयर्स की तो प्रोसीडिंग है, उसके तीन पैराग्राफ को पढ़ें, पारा 2.6.9, पारा 2.6.10 एंड पारा 2.6.11। आप मुझे थोड़ा और समय देंगे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की प्रोसीडिंग को अगर आप पढ़ें, पारा 1.47 ऑफ चैप्टर 1, उसमें लिखा हुआ है, द कमिटी अप्रिशिएट्स द पीएम्स कॉल फॉर जन आंदोलन अगेंस्ट पैंडेमिक। हम अपनी तारीफ खुद नहीं करते, WHO के डायरेक्टर जनरल मिस्टर टेड्रोस ने भी हमारे प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद दिया। जनवरी 2021 की बात है, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने हमारे प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और ये जो 20 लाख वैक्सीन डोजेज ब्राजील गए थे, इसके लिए उन्होंने बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया। सर, आई वुड लाइक टू कोट द अमेरिकन फिजिशियन डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट, who had played a key role in eradicating smallpox. He had said, outbreaks are inevitable, but pandemics are optional, meaning thereby that we may not be able to change the natural occurrences that produce the diseases in the first place, but through preparation, early action, and intelligent responses, we can quietly flatten its trajectory. And I'm extremely proud to say, to inform this August House, that because of the able leadership of our Honorable Prime Minister, we could flatten the trajectory. Now, please conclude. Sir, please give me some time. No, I beg. Already, I beg, sir. Already, sir, lots of works have been done. Please give me some time, sir. Already, you have taken 10 minutes. Pradhanmantri Modi ji ne kaha, sir, mujhe thoda samay de, sir, vakt de. Sir, Pradhanmantri Modi ji ne kaha hai ki samajik nyay hamari sarkar ke liye sirf kehne sunne ki baat nahi hai. यह हमारा कमिटमेंट है, यह हमारी श्रद्धा है। यह सरकार बाबा साहेब अंबेडकर के नीतियों पर चलती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको लेकर चलना है, सबका सर्वांगीण विकास हो और सबका विश्वास जीतना है। सबसे बड़ी बात है, बहुत निष्ठा के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ हम सबका विश्वास जीतने की चेष्टा में लगे हुए हैं। जिस दिन आदरणीय वित्त मंत्री ने इस कक्ष में बजट पेश किया, उसके एक दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेस को संबोधित किया और उन्होंने जो कहा वो वक्तव्य सबको याद होगा। उन्होंने कहा, शफीकुर रहमान जी, सर प्लीज गिव मी, सर प्लीज गिव मी 3-4 मिनट्स। नो प्लीज, नो 2 मिनट्स, सर। नो प्लीज, यू प्लीज कंक्लूड। सर, फाइव मिनी बजट्स, 27 लाख करोड़ के 5 मिनी बजट्स के साथ इस बड़े बजट को देखा जाए। सर, प्रधानमंत्री मैडम प्लीज कंक्लूड, बिकॉज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अतिरिक्त अनाज सुनिश्चित किया गया। और मैं आपको बता दूं सर, श्रमिक, प्लीज कंक्लूड मैम, श्रमिक रेल प्रारंभ किए गए थे। सर, मैं बहुत दरिद्र राज्य से आती हूं, उड़ीसा राज्य से, मैं आपको बता दूं, और वहां 8 लाख प्रवासी श्रमिक हमारे राज्य को छोड़कर बाहर गए थे। 244 रेल का प्रबंधन किया गया था, उसमें ये लोग लौटे हमारे देश, हमारे राज्य, और इसकी वजह से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उड़ीसा वासी की तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।